हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है संडे, हमारी हमारी वीडियो स्टार्ट हो गई। सेकंड पता नहीं कितनी वीडियो हो गई है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मेबलिन, पढ़ लेती हूँ मेबलिन। वेलकम टू माई चैनल। तो आज है संडे, आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसके बारे में। ये है मेबलिन की स्टे मैट इंक लिपस्टिक। इसके बारे में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ऋषिकेश गई थी। आई थिंक आपने उसकी वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी हो तो पिछले संडे की वीडियो में मैं ये पूरा पाउच लेके गई थी लिपस्टिक का। मैंने लगाया कुछ भी नहीं सिवाय इसके। क्यों? क्योंकि यार इतना अच्छा है ना, मतलब आप खा लो, पी लो, सो जाओ, उठ जाओ, कहीं मास्क लगा लो। आज के टाइम में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, मास्क लगा लो, उसके बाद भी ये परमानेंट रहेगा आपके लिप्स पे। तो मतलब आज तक मैंने जितने टाइम से मैं लिपस्टिक यूज़ करूँ ना, मैंने आज तक ऐसी लिपस्टिक नहीं देखी। इतने टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ पर मैंने आज तक ऐसी इतनी लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक नहीं देखी है जो कितना खा लो पी लो हटता नहीं है। ओके, तो इसके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले बता देती हूँ मैं आपको इसका प्राइस रेंज की बात करें 650 रुपये की है। थोड़ा ज़्यादा है पर डिस्काउंट में, ये नायका पर डिस्काउंट चलते रहते हैं और आपको अपने नियर बाय शॉप में ज़्यादातर शॉपकीपर डिस्काउंट देते हैं 500 रुपये तक या 520 रुपये तक की मिल जाएगी। नायका में भी आपको 520 रुपये तक की मिल रही है पर आप अभी भी बहुत महंगी, क्योंकि मैं खुद भी जो आज तक मतलब मैं खुद भी इतने टाइम से जो लिपस्टिक यूज़ कर रही थी वो 250 रुपये तक की थी। मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब ये जो लिपस्टिक है मैं 3-3.5 साल से यही लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। मतलब एक दो है मेरे पे और भी ब्रांड पर, ज़्यादातर मैं यही लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। सबसे बड़ी बात ये अफोर्डेबल है, कम प्राइस है, 250 रुपये है और लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत मैट कलर है। ऐसा नहीं है कि आप लिपस्टिक लगाएंगे और बाल ऐसे होगा और पूरी लिपस्टिक का यहाँ पे ऐसे निशान पड़ेगा। मुझे वो लिपस्टिक बहुत बकवास लगती है, मतलब मैंने मेबलिन में भी देखा है बहुत ज़्यादा होती है तो एकदम मैट होता है तो बहुत ड्राई लिप्स कर देता है। पर ये परफेक्ट लिपस्टिक थी जब तक ये नहीं आया था भाई, इसका तो इससे भी ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ। मतलब फैशन कलर की लिपस्टिक मुझे बहुत अच्छी लगती है पर अगर मतलब अब इन दोनों में कॉम्पिटिशन चल रहा है मेबलिन के इंक लिपस्टिक में और ये फैशन कलर की। मेबलिन की मेरे में बहुत सारी लिपस्टिक है पहले की भी पर वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग है ही नहीं। और बताए हमें खाली लिपस्टिक ना कलर देखने में अच्छा लगता है पर हम ले लेते हैं, पर यूज़ करने पे अगर वो उतनी परमानेंट नहीं होती है ना, किसी काम की नहीं होती है। और ये वाली लिपस्टिक बहुत परमानेंट है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने अगर आपको देखना है तो मैंने इसे अपने ऋषिकेश वाले वीडियो में भी सुबह से शाम तक लगाई, यही लिपस्टिक लगाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। नहीं तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूँगी। सुबह से लेकर शाम तक मैंने खाया पिया उसके बाद भी ये लगी हुई है तो इतनी लॉन्ग लास्टिंग है। रेटिंग की अगर हम बात करें नायका पे, इसकी जो रेटिंग है 4.3 है 5 out of 5, तो रेटिंग भी अच्छी है। तो मैंने जो सबसे पहले कलर खरीदा था ये खरीदा था मेबलिन का इस टाइप से। उसका नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 135 है और ग्लोबल टर्टर या इसका मतलब कलर नेम है। पर मुझे ऑरेंज और न्यूड कलर ज़्यादा पसंद है तो ये न्यूड में था तो इसलिए मैंने ले लिया। मैं आपको ओके, सबसे पहले मैं लिपस्टिक का हटा देती हूँ। अब लगा लेते हैं 135.5 ग्लोबल टोटर। इसे ऐसे और ऐसे नहीं करना है, कुछ देर से रहने देना है, उसके बाद आप कुछ भी करना, खाओ पियो। ये मीडियम टू लाइट स्किन पे अच्छा लगेगा। ओके, तो मुझे इतना अच्छा लिक्विड लिपस्टिक का शेप वगैरह बनाने नहीं आता, मुझे लिपस्टिक लगानी नहीं आती इतनी खास, तो शेप अच्छी नहीं है पर आप देख लो कैसा लगेगा। मुझे ऑरेंज कलर पसंद है और न्यूड कलर ज़्यादातर पसंद है तो मैंने ये ट्राई किया। बट ये ऑरेंज की जगह ना डार्क हो रहा है क्योंकि ऑरेंज और डार्क ब्राउन है, ये ज़्यादा ब्राउन में लग रहा है ऑरेंज के मुकाबले। मुझे हल्का सा टिंट जो ऑरेंज का आता है ना अच्छा लगता है, ये डार्क लग रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लगा। पर मैंने अपनी सिस्टर को भी ट्राई करने को दिया, इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग पावर थी खाओ पियो, और इवन मैं एक दिन लगा के भी सो गई थी रात को, सुबह भी ये लगा हुआ था, इतनी अच्छी है। मेरी सिस्टर को भी अच्छा लगा तो मेरे को लगा कलर चॉइस रॉन्ग है क्योंकि मुझे खास नहीं लगा पर मुझे और लेनी चाहिए। उसके बाद मैंने लिया था नेक्स्ट कलर, जो मैंने लिया था ये पिंक कलर। ये भी मैंने यूट्यूब में 2-3 वीडियो देखी थी उनके रिकमेंड पर लिया था
कि मतलब मुझे न्यूड कलर ज़्यादा पसंद है, जो न्यूड टोन में होते हैं, न्यूड ऑरेंज, न्यूड पिंक, ज़्यादातर मुझ पर न्यूड के ही शेड होंगे, हर कलर के न्यूड में ही होंगे। कई यूट्यूब रिकमेंड में ये था कि अगर मीडियम स्किन टोन है ये पिंक उस पर अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर पिंक में भी न्यूड कलर ढूंढती हूँ, न्यूड पिंक हो गया, मतलब ब्राउनिश हो गया, पर गाइस ये इतना अच्छा कलर है ना, मतलब अगर आपकी मेरी टाइप की स्किन है, थोड़ी सी येल्लोश है, क्रीमिश है, तो भी ये बहुत अच्छा जाएगा, और फेयर स्किन पे तो अच्छा जाएगा ही जाएगा। मुझे हमेशा डर लगता था कि पिंक कलर पता नहीं मेरी स्किन पे कैसा लगेगा, लाइट पिंक कलर, पर ये बहुत अच्छा कलर है, लॉन्ग लास्टिंग है। तो मतलब डे टाइम में क्या होता है ना, डार्क कलर भी लगाएंगे ना तो मतलब दिखते नहीं है, और लाइट में तो, पर ये ऐसा कलर ना फ्रेश, जो आजकल समर है, आप सोचते ना फ्रेश कलर हो एकदम, एक या तो आप डार्क एकदम ब्राइट लगा लेते, एकदम पिंक सा बूम सा चमकने वाला, वो भी बहुत बकवास लगता है। पर ये कलर ना आपका जैसे समर्स में होता है ना कि आप लाइट कलर लगा और परमानेंट रहे, आप मास्क पहने खाना खाए, आप इसे लगा के जाओ, मास्क पहन के रखो, कहीं और उतारोगे खाना खाओगे फिर मास्क पहन लोगे, कुछ नहीं प्रॉब्लम होगी। बस आपको ये करना है, इसको थोड़ी देर लगाएंगे, चिप चिप सा लगता है कुछ, इसको पाँच कुछ सेकंड का आप इसे रुकने देंगे, उस अगर कुछ सेकंड तक आप इसे लगाएंगे और कुछ सेकंड आप वेट करेंगे, ऐसे नहीं करना है नहीं तो ये हट जाएगा, कुछ सेकंड वेट कीजिए, उसके बाद ये सेट होने के बाद परमानेंट हो जाएगा। जब तक आप इसे किसी कोकोनट ऑयल मतलब मेकअप रिमूवर से अच्छे से निकालेंगे नहीं निकलेगा, आपके एक मील पे तो बक्का नहीं निकला, दो मील पे हल्का ही फेड होगा, बट अच्छा खासा रहेगा ये। मैंने 3-4 बार खाना खाया था उसके बाद, अभी मैंने नहीं लगाया है, मैंने सुबह से लगा रखा है और मैं अभी शाम में वीडियो बना रही हूँ, तो गाइस हल्का हल्का ऊपर से फेड हुआ है, पर अभी भी पीच टोन दे रहा है, लाइट टोन दे रहा है, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा इसे दोबारा फिल ना करूं, क्योंकि वैसे भी ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो ऐसा नहीं बकवास लगेगा। मैंने अभी तक की कोई लिपस्टिक ऐसी नहीं देखी है जो इतने लॉन्ग टाइम तक टिकेगी, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारी लिपस्टिक ट्राई की है। अगर आप ये थोड़ा सा कॉस्टली है ये, पर अगर आपको कहीं आना जाना है, मतलब आप बाहर जाते हैं और खाते पीते हैं, मास्क तो आजकल सभी लगा रहे हैं, तो आप ये एक बार ट्राई जरूर करना। आपको अगर लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक चाहिए, बस इसे लगा के कुछ सेकंड का वेट जरूर करना, नहीं तो ऐसे अगर आप कर देंगे ना तो थोड़ा हट जाएगा, थोड़ा सा स्टे करने दे, फिक्स होने दे, उसके बाद गुड टू गो। ओके, इंस्पायर कलर है ये, नंबर है 125, वहाँ पे पिंक के बहुत सारे शेड हैं, तो आप जब भी कोई लिपस्टिक लें, नायका पे रिव्यू आते हैं उस लिपस्टिक के, वो देख के लें। मुझे तो खैर मैंने यूट्यूब में भी काफ़ी रिकमेंड देखा था इंस्पायर लिपस्टिक का, इस कलर का, तब मैंने ये लिया है। 125 कलर है ये, लाइट पिंक कलर है, बेबी पिंक टाइप कुछ ऐसा कह सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगी। होल डे लॉन्ग लास्टिंग रहता है ये, नायका पे भी इसका यही रिव्यू है कि होल डे लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, खाओ पियो मास्क लगाओ, मतलब कुछ भी कर लो ऐसे तो नहीं हटेगा ये। ये जो हमारा ग्लोबल कलर है ये आपका मीडियम टू डार्क स्किन पे आएगा, मतलब मीडियम टू डार्क स्किन पे आएगा ये हमारा जो 135 ग्लोबल कलर है, और ये फेयर टू मीडियम पे आएगा इंस्पायर कलर। दोनों ही कलर बहुत अच्छे हैं, मुझे ज़्यादा पिंक अच्छा लगा, क्योंकि न्यूट के तो मेरे पे है ऑप्शन कहीं, पर पिंक का ये बेस्ट कलर है जो मुझे एकदम ब्राइट में, मेरे पास एक ही कलर है पिंक में जो मेरी स्किन पे मुझे अच्छा लग रहा है। वहाँ पे ये भी दे रखा था कि 12 आवर्स तक स्टे पावर है इसका, हाँ है, सॉरी, मेबलिन सुपर स्टे लिपस्टिक में आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, तो आप उसमें से चॉइस कर सकते। एक शेड है उसमें वर्सटाइल, वो भी न्यूट शेड है, अगर मैं लेती तो न्यूट ही लेती, पर मेरे पे इतने सारे न्यूड ऑलरेडी हो चुके हैं ना कि भाई लगाती रहूँगी और सूख जाएंगे, इसलिए अभी फ़ायदा नहीं है लेके। तो अगर आप ले सकते हैं तो वर्सटाइल भी ले सकते हैं, अगर आप न्यूड शेड लेना चाहते हैं लॉन्ग लास्टिंग में, तो ऐसे बहुत सारे कलर हैं, आप एक बार ट्राई कीजिए और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना आपको ये कैसी लगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी है, ट्रस्ट मी। तभी मैं बोल रही हूँ सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं बोलूँ, क्योंकि एक्चुअली हम इस टाइम पर मास्क पहन रहे, खा रहे वगैरह कर रहे ना, तो लिपस्टिक समझ नहीं आ रही यार क्या लगाएं, तो उसके लिए बहुत अच्छी है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी या कोई वीडियो अगली आप देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना भूल गई, ये हमारी कुटकी कुटकू, तो क्यूट है कालूमू वाली, ये हमको मिली थी रोड पे चलती हुई, तो अभी पता नहीं इसको हम रखेंगे नहीं रखेंगे, समझ नहीं आ रहा है, बड़ी बड़ी क्यूट सी है और पतले दुगलू सी है, मतलब पोषण की शिकार है, इसका नाम भी नहीं रखा है, हम इसको कुटकी छुटकी कुछ भी बोल देते हैं। डॉगी चाहिए थी, है ना गुनगी छुटकी। टाटा छुटकी, टाटा।